दुबे की गिरफ्तारी को लेकर गुरुवार रात 8:30 बजे उज्जैन एसपी मनोज कुमार सिंह ने कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता कर गैंगस्टर विकास दुबे की उज्जैन महाकाल मंदिर से गिरफ्तार होने के बारे में स्पष्ट किया। लेकिन मीडिया के कई सवालों पर एसपी चुप्पी साधे रहे। कुछ सवाल ऐसे हैं जो अभी भी उठे हुए हैं, जानिए पूरी रिपोर्ट। एसपी मनोज कुमार सिंह ने पत्रकारों को बताया कि गुरुवार सुबह 7:30 बजे के लगभग गैंगस्टर विकास दुबे महाकाल दर्शन के लिए पहुंचा था। सबसे पहले विकास दुबे ने महाकाल मंदिर के बाहर फूल सामग्री वाले राजेश माली से फूल खरीदे तथा मंदिर में काउंटर पर जाकर 250 रुपए की पर्ची कटवाई और महाकाल दर्शन के लिए जाने लगा। इसी बीच फूल वाले राजेश माली को उस पर शंका हुई और उसे ऐसा लगा कि यही यूपी का गैंगस्टर विकास दुबे है जो 8 पुलिस वालों की हत्या कर भागा है। इस शंका के आधार पर उसने तुरंत अपने एक परिचित राहुल नामक व्यक्ति को इस बारे में बताया और राजेश राहुल दोनों महाकाल चौकी पर पहुंचे। उन्होंने इस बारे में महाकाल चौकी पर उपस्थित पुलिसकर्मी को बताया। इसके बाद पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में लेकर पूछा तो उसने यह स्वीकार किया कि वो कानपुर का विकास दुबे है। इसके बाद उसे पुलिसकर्मी महाकाल थाने ले आए और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी। एसपी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यूपी पुलिस से संपर्क कर विकास दुबे के बारे में जानकारी जुटाई गई तो यह स्पष्ट हो गया कि जो महाकाल से पकड़ा है वही गैंगस्टर विकास दुबे ही है। इसके बाद यूपी एसटीएफ टीम विकास दुबे को लेने के लिए उज्जैन के लिए रवाना हो गई और शाम को पुलिस ने यूपी एसटीएफ टीम के उज्जैन पहुंचने पर विकास दुबे को उनके सुपुर्द कर दिया। लेकिन जब पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी मनोज कुमार सिंह से मीडिया कर्मियों ने कुछ संदेह भरे सवालों के जवाब जानने चाहे तो एसपी उस पर चुप्पी साधते रहे। हालांकि यह जरूर पता चला है कि विकास दुबे जयपुर के रास्ते से उज्जैन में दाखिल हुआ था। यहां आकर वह सीधे महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए पहुंचा। सबसे अहम सवाल तो ये था कि आखिर विकास दुबे जयपुर से उज्जैन किस वाहन से आया, इस पर भी पुलिस ने चुप्पी साधी। साथ ही इस सवाल पर भी उज्जैन पुलिस ने किनारा कर लिया कि क्या विकास दुबे ने खुद सरेंडर किया है या उसे गिरफ्तार किया गया है। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट। अभी मीडिया मेरे साथ है भी। अभी भी मीडिया में हम मीडिया के साथ है। माइंड मत करो, माइंड मत, बहुत अच्छी कार्रवाई है, देश की इतनी बात नहीं। बात करें जब भी गुप्ता हमारे पास जानकारी आएगी मैं आपको बताऊंगा। गिरफ्तारी है या सरेंडर है? नहीं, गिरफ्तारी है या सरेंडर? अभी तक जो भी तथ्य हमारे सामने आए हैं वो राजेश माली के पास भेजे गया, वो उसको पहचाना है। पहचान देखिए, चूंकि मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है और मैं आप देखिए बहुत विभत्त घटना इसने किया है। को लेकर सर जो पूछताछ आपने वैसे की होगी, बहुत ही काफी क्रिमिनल है, इसने कई मर्डर कर चुके हैं। ये वहाँ पे काम से एक बंदूक कई ढंग की इसका अपराधे हैं। ऐसे गिरफ्तारी की बहुत बड़ा काम किया, एक सवाल फिर भी नैतिक उठता है, ये गिरफ्तारी है सरेंडर है? देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, पूरा घटनाक्रम आपके सामने रखा हूँ कि सुरेश माली को ठगक लगी, उसने बताया महाकाल राहुल और धर्मेंद्र को बताया, धर्मेंद्र ने हमारे महाकाल चौकी वाले को बताया, उन लड़कों ने जाकर निगम द्वार को सुघेरा, तत्काल तक होने पे थाने ले गया। उसके बाद हमने यूपी से पूरा कन्फर्म किया, लगातार बातचीत किया। अब इसमें किस बात का मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये चूंकि मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, दो स्टेट के बीच की बात है। दो स्टेट के बीच की बात है।
मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि अभी हमारा जांच पूरा जारी है, हम लोग लगातार 8 घंटे से सारी चीज पूछताछ करने में लगे हैं। जैसे बहुत चीज हमारे पास है जांच करने का, हमने 8 घंटा पूछताछ किया है, हमको बहुत सारे नहीं मैं बोल रहा हूँ, अभी इन्वेस्टिगेशन में है, 2 स्टेट के बीच की बात है, साक्ष हमारा डिस्टर्ब ना हो, इस ख्याल से मैं बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।